ये हमारा जेंटा डिस्टिलेशन एंड डाइजेशन यूनिट है, ये इसका इलेक्ट्रिक हीटिंग पैनल है। सबसे पहले हम इसके अंदर 500 ml का डिस्टिलेशन फ्लास्क रखेंगे, उसके बाद ये मल्टीपल एडॉप्टर है इसका, ये इस फ्लास्क के ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारी ड्रॉपिंग फनल है, ये ड्रॉपिंग फनल जिसमें हम प्रोटीन रखेंगे अपना, इसको ऊपर लगाएंगे इसके इस तरह से। ये हमारा स्प्लैश हेड एडॉप्टर है, इसको हम कंडेंसर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक साइड से मल्टीपल एडॉप्टर में लगेगा और दूसरी तरफ से कंडेंसर के अंदर लगेगा। उसके बाद इसको बंद करने के लिए कंडेंसर पे इस तरह से क्लिप लगा दो और ये सील हो जाए। ये हमारा कंडेंसर है, ये कंडेंसर के अंदर लिक्विड कंडेंस होके ये नीचे रिसीवर दिया गया है, इस रिसीवर में से आपका लिक्विड यहाँ पे निकलेगा। इस लिक्विड से आप किसी भी बीकर या कोनिकल में कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा डाइजेशन यूनिट है और ये इसका फ्यूम डक्ट है जिसके अंदर फ्यूम्स चलेंगी। इसके अंदर आपका लिक्विड रहेगा जो भी डेंजरस आपने इवेपोरेट करना है। इसके अंदर ये इसका बॉइलिंग पार्ट है, इससे आप सेट कर सकते हैं कितना भी टेम्परेचर आप चाहें। ये सेट करके यहाँ से बॉइलिंग शुरू हो जाएगा और ये फ्यूम डक्ट के अंदर फ्यूम्स जाना शुरू हो जाएगा। ये फ्यूम डक्ट का आउटलेट है, इसके साथ ही ये देख लीजिए, यहाँ पे आप एग्जॉस्ट सिस्टम लगाएंगे, जो भी फ्यूम यहाँ से इवेपोरेट होगा वो इस यहाँ पे जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होगा उसके थ्रू बाहर चला जाएगा।